मुझे कुछ भी चलता है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन मीनू ताई वो जरा भी समझौता नहीं करती। बचपन से वैसी है वो। वही अभी और नैना के बारे में मीनू ताई से बात कौन करेगा? आप? मैं? नहीं रे बाबा, मैं नहीं। अभी कोई बात करनी पड़ेगी इस बारे में। नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आया। नैना, तुमने अभी को बताया? अभी नहीं, मगर मैंने तुम्हें तो बता दिया है ना, तुम प्लीज यहाँ जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ ओके, मैं अभी आया। हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ नैना, हमेशा। अरे इतना बड़ा घर है कमल भाई, और हवादार इतना के गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है, और लोकेशन तो प्राइम है ही, वो तो आप देखते हुए ही आए होंगे, और बाकी तो बख्शी भाई ने आपको बता ही दिया होगा। काम की बात करें, कितना चाहिए आपको? आप ही सोच समझ कर बता दीजिए। मुंबई में ऐसे लॉन वाले मकान बचे ही कितने हैं, इसके उस तरफ भी एक बड़ा सारा लॉन है, और इसके तुम्हारी मौसी नहीं हूं, और मुझसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी मत करना। ये क्या कर रही हो नैना? चाय में नमक डालोगी? और क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी के आई। पहले मैंने उनसे बाजार में लड़ाई की, और अब उनकी चाय में नमक। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, बहुत नफरत करती है वो मुझसे। और आपको हमारा थीम कैसा लगा? वेरी नाइस, आई लाइक योर क्रिएटिविटी। हम बैकड्रॉप में थोड़े लिलीज भी रखेंगे। गुड आइडिया। नहीं मैम, थैंक यू, मैं नहीं खा पाऊंगी, आज मेरा व्रत है ना। आकृति, आर यू ओके? हाँ मैम, ठीक हूँ। वो आज व्रत है ना, तो सब्जियों की महक से कुछ बेचैनी सी होने लगी। होता है ऐसा कभी कभी। जब मेरी बहन प्रेग्नेंट थी तो उसे सब्जियों की महक बर्दाश्त नहीं होती थी। तो सबसे पहले विभा को जॉगर्स पार्क में मिली थी ना? हाँ। और पहली मुलाकात में इसने आई का दिल ऐसा जीता कि ये सीधा जॉगर्स पार्क से हमारे घर आ गई, और बहुत जल्दी बहू बनकर। नैना, नैना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आई? अभी कब आई? आ गया तू? कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन क्यों बंद कर रखा था? अरे सुबह से डिस्टर्ब कर रहा था फोन, इसीलिए पर्स में रख दिया। अभी अभी इतने सारे एसएमएसेस तेरे देखे। आते समय इस लड़की का नाम लेकर कुछ बोल रहा था कि कुछ दिखाना चाहता है उसे। क्या दिखाना चाहता है?